नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अरिंद सम्राट। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे चतरा जिले के प्रतापपुर की। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित बरही से मरका जाने वाली सड़क की मरम्मती का काम हो रहा है। इतने निम्न स्तर के मटेरियल दिए जा रहे हैं कि उंगली से सड़क को उखाड़ा जा सकता है। घटिया सड़क निर्माण मरम्मती के कार्य को लेकर ग्रामीणों में रोष है, गुस्सा है और उन्होंने घटिया निर्माण कार्य का विरोध किया है। इधर अधिकारी कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण अभी चालू है और सभी मानक के अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सड़क का निर्माण शुरू हुआ है जो काफ़ी तेज गति से और जैसे तैसे बन रहा है। आपको बता दें कि लगभग 70 से 80 लाख की लागत से बनाई जा रही 7 किलोमीटर लंबी सड़क में मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डालकर कार्य को पूरा किया जा रहा है। सड़क पर इमल्सन का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यह सड़क निम्न स्तर का बनाया जा रहा है जो महीनों में ही जर्जर हो जाएगी। हालांकि ग्रामीणों ने आला अधिकारियों को भी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किए जाने की सूचना दे दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि मटेरियल उच्च क्वालिटी का नहीं है, मटेरियल पुरानी सड़क से उखाड़ कर यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इतना तेजी भागम भागीम बना रहा है कि 10 मिनट में जो है कि ये किलोमीटर पार कर दे रहा है और बना ऐसा रहा है कि गिट्टी निकल के बाहर है तो बहुत जगह जगह पर हाथ दो दो तीन तीन हाथ पर जो है पीच का गिट्टी सब बाहर है। अभी बनाया अभी तुरंत बाहर के बाहर है तो बताइए कि ऐसा बनाना न बनाना क्या फायदा है। इससे बेहतर तो पहले ही वाला था। इसको जब रिपेयरिंग कर रहा है तो कम से कम जो नया छरी डाल रहा है उसको अच्छी तरह रोलर से बैठावे। तो अब बैठा के जा रहा है, छरी सब बाहर निकल के पड़ा हुआ है। ऐसे आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो ये नया बना रहा है तो इसको सही से इस रोड को जो है की बनावे, जैसे बैठावे छरी फरी जो पीच डामर है वो मिलाकर अच्छी तरह से बैठावे। तो ये तो ऐसा करके जा रहा है कि छरी अभी बाहर से निकल रहा है, घटिया हो ही रहा समझे ना। माँ अम्बे कंस्ट्रक्शन जो है इतना घटिया काम कर रहा है कि मान के चलिए कि बरसात भर में रोड जो है कबड़ के साफ हो जाएगा। सड़क का निर्माण किया जा रहा है, एक गांव में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों का सीधे आरोप है कि अच्छी क्वालिटी का जो है मटेरियल नहीं दिया जा रहा है जिससे तुरंत ही सड़क उखड़ जा रहा है। हाथ की अंगुलियों से इसे आराम से उखाड़ा जा सकता है। प्रतापपुर प्रखंड के बरही से मरका जाने वाली सड़क का ये हाल है। देखिए अभी सड़क का निर्माण किया जा रहा है लेकिन वही अधिकारियों का कहना है कि ये जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उनका कहना है कि सही ढंग से बन रहा है लेकिन तस्वीरें साफ देख सकते हैं जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। हम लगातार बात कर रहे हैं चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड की भरही से मरका जाने वाली सड़क निर्माण का काम, जो मरम्मती का काम हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं आप तस्वीरें किस तरह से बन रही सड़क और इतनी जल्दी जो है उखड़ने का काम शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में बरसात का महीना है, ये कुछ महीनों तक चल भी जाए ये बड़ी बात होगी। हमारे साथ चतरा से जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रज किशोर जुड़ चुके हैं। ब्रज किशोर जी, जिस तरह से सड़क का मरम्मतीकरण का कार्य हो रहा है, ये गांव की ओर जाने वाला सड़क है, भरी से मरका जाने वाली सड़क, ये हाल रहा तो कैसे चलेगा? जिस तरह से तुरंत ही उखड़ जा रहे हैं सड़क, अच्छी मटेरियल नहीं है। हमें भी ये सूचना मिला है आप ही के चैनल के माध्यम से कि वो रोड का काम में थोड़ा सा त्रुटि है, तो हमने वो देखा भी नहीं है। बट हम लोग आपको आश्वस्त ये करते हैं कि संबंधित पदाधिकारी को हम लोग इसका उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्वालिटी में क्यों कटौती हो रही है और निश्चित तौर पे अगर काम गलत हुआ होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। ब्रज किशोर जी, देखिए लगातार झारखंड के विकास को लेकर हेमंत सरकार हर मंच से दावा करती है कि झारखंड में विकास हो रहा है लेकिन सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा देते हैं कुछ ठेकेदार।
देखिए, एक तो ये आपको आपका कहना बिल्कुल सही है और आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि चूंकि ठेकेदार और संबंधित पदाधिकारी जो स्कूटी होते हैं या जेईई होते हैं वो भी इनके जिम्मेवार होते हैं कि उनको भी अपने देखरेख में काम करवाना चाहिए। और हमने पहले भी कहा है कि आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये पता लगा है और चूंकि वो बिल्कुल सुदूरवर्ती गांव है जहाँ पे आप जिस जगह की बात कर रहे हैं भरी की, तो वहाँ पे सुविधा बहुत मुश्किल से पहुंचा है और पहुंचता भी है, तो उसके साथ खिलवाड़ होगा तो ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। और ये मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग उस पर काफी अमल करेंगे और उसका आप लोग प्रयास करेंगे कि संबंधित ठेकेदार और पदाधिकारी उसको सुधारें, और नहीं तो फिर उनपे जो नियम संगत कार्रवाई होगी होगी। जी जी जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए ब्रज किशोर जी आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ चतरा से जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रज किशोर जी जुड़े, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसको लेकर हम आगे भी संबंधित विभाग से बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, सड़क मरम्मती के दौरान निम्न स्तर के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ आप भी देख सकते हैं। ग्रामीणों में इसको लेकर काफ़ी रोष भी देखा जा रहा है और लगातार ग्रामीण कह रहे हैं, जैसा कि ग्रामीणों का जो हमने सुनाया, ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी हमने सुनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 70 से 80 लाख के लागत से सड़क का मरम्मतीकरण हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे अच्छा तो वही पुरानी सड़क थी, मरम्मती करने से क्या फ़ायदा, जब मरम्मती करने से कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आएगा, हाथ से सड़कें उखड़ जाएंगी तो ये झारखंड का विकास कैसे होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतापपुर से हैं समाजसेवी भोला प्रसाद जुड़ चुके हैं। भोला जी, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं प्रतापपुर प्रखंड के भरही से मरका जाने वाली सड़क का निर्माण, भोला जी ये हम बातचीत आपसे करना चाहेंगे कि चूंकि गांव ये सड़क गांव की ओर जा रही है, जिससे विकास गांव का विकास होगा और गांव के लोगों का विकास होगा। गांव के लोग ज़्यादातर भोले भाले होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लगाकर कुछ भी जैसे भी तैसे बनाकर सड़क बनाकर निकल जाए और पैसा बना ले। जी, जो रोड प्रतापपुर मुख्यालय से जी मतलब कि जाती है उधर बोरा शरीफ रोड, उसी मरका मोड़ से भारी रोड जा रही है जी। इसमें सुनने को मिला है और देखने को भी मिला है तो काफी टेम्परेचर कम वाला दिया जा रहा है, वो हाथ से भी लोग गिट्टी को बटवाया जा रहा है जी। इस तरह से घटिया काम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये रिपेयर कार्य है। हम ऐसा हो कि मैंने आदमी लगे लग रहा है कि एक बरसात के बाद रोड का मैंने अति आ जाएगा, मैंने उबड़ खाबड़ हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगा। तो हम मैंने सरकार से और विभाग से मांग करते हैं कि ऐसे कंजंक्शन पर उचित कार्रवाई करते हुए रोड को गुणवत्तापूर्ण बनाने का अधिक किया जाए। देखिए भोला जी, ग्रामीणों का आरोप है कि मटेरियल उच्च क्वालिटी का नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से भी कहा गया है, लेकिन उनकी बातें शायद नहीं सुनी जा रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे अब जो संज्ञान जो खबरों के माध्यम से हुआ है, निश्चित तौर से आप भी जो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग इस बात को जिला में जो इनके विभागीय अभियंता जी है और उपायुक्त महोदय है और भी इनके जो मैंने संबंधित रोड विभाग का जो संबंधित पदाधिकारी है उनके तक बात हम लोग आवाज पहुँचाएंगे। इसलिए जैसा की हम लोग ने वीडियो में देखा की लोग हाथ से लोग गड्ढा जैसा कर रहा है तो क्या दाना दाना सब निकल रहा है, ऐसा तो नहीं रोड बनता है, मिट्टी मोरम नहीं है कि वहाँ टूट जाएगा। जब वो कालीकरण में रिपेयर हो रहा है तो उसको तो इतना टेम्परेचर हो रहा है कि पूरा 200 रोलर चलने के बाद में सड़ जाना चाहिए जी। तो जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है काम संतोषजनक नहीं है, कार्य को क्या बोलते हैं पूर्ण हिसाब से बनना चाहिए, जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से मानक के रूप से बनेगा तभी जाकर सक्सेसफुल है, वरना रोड मैंने क्या बोलते हैं उसको दीपापोती काम से नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तमाम बातचीत के लिए भोला जी आपका धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू। हमारे साथ प्रतापपुर से समाजसेवी भोला प्रसाद जुड़े, जिन्होंने कहा है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, इस अगर ऐसा हुआ है, ऐसा जो उनको उन्होंने कहा कि ये जानकारी हुई है और इसको लेकर तमाम अधिकारियों से संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और डीसी साहब से भी मिलेंगे कि जिस तरह से सड़कें बन रही हैं प्रतापपुर प्रखंड के भरही से मरका जाने वाली सड़क का, ये लीपापोती का काम किया जा रहा है
और निश्चित तौर पे ये बातें सामने आने लगी है कि भ्रष्टाचार का जो है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि 70 से 80 लाख के लागत से अगर सड़क का मरम्मतीकरण हो रहा है तो मजबूतीकरण भी ज़रूर होना चाहिए। हम लगातार बात कर रहे हैं चतरा ज़िले के प्रतापपुर प्रखंड की, जहां भरही से मरका जाने वाली सड़क का निर्माण किस तरह से हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया, ग्रामीणों ने किस तरह से रोष प्रकट किया है उसे भी हमने आपको सुनाया है। ये सब समझिए कि हाथ की अंगुली से सड़क में अगर डाला जाए तो मटेरियल ही उखड़ जा रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहा है कि काफ़ी तीव्र गति से निर्माण कार्य हो रहा है। 7 किलोमीटर का ये इसका है रेंज है 7 किलोमीटर का, और इसमें 70 से 80 लाख के लागत से सड़क का मरम्मतीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर मरम्मतीकरण में इस तरह के मटेरियल दे रहे हैं तो इससे अच्छा था कि पहले वाली सड़क ही अच्छी थी। हमारे साथ चतरा से जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, मोती पासवान जुड़ चुके हैं। मोती जी, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं ये तो हैरान करने वाली है कि 70 से 80 लाख के बजट का अगर कहा जाए लागत का इस सड़क के मरम्मतीकरण का ये काम हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मरम्मतीकरण का काम तो हो रहा है लेकिन मजबूतीकरण का कहीं भी इसका ख्याल नहीं रखा गया है। जी जी सर, नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो बता देना चाहते हैं कि प्रतापपुर प्रखंड में ये मरका से जो बन रहा है सर इधर ही, ये बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है रहा है पूर्व से ही, और लगातार सरकार के भी प्रयास रहा है कि रोड बहुत ही दुरुस्त और अच्छा बने, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा ये अच्छा नहीं बनाया जा रहा है, जो कि ग्रामीण के द्वारा ये सूचना मिला और मैं भी उधर विजिट किया था, जो कि रोड में जो भी सीमेंट या जो मटेरियल दिया जा रहा है मरम्मती के कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही गलत ढंग से ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। सड़क का कालीकरण किया जा रहा है जिसमें गिट्टी हाथ की अंगुलियों से ही उखड़ रहे हैं। जी 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 सर, हम लोग भी वहाँ पे जनता से बात किए और तमाम लोगों से, तो वहाँ पर जनता लोग काफी आक्रोश है इस मामले को लेकर। जी मोती जी, जिस तरह से गांव के ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण होते हैं वहां जिस तरह से निर्माण कार्य होता है 70 से 80 लाख की लागत से बन रहा है, ग्रामीण खासकर बहुत कम ही बोलते हैं कि ऐसे मुद्दों पर कम ही सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें आई हैं ग्रामीणों में गुस्सा है, ग्रामीण अंदर अंदर ही गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों से ज़रूर अपने संबंधित अधिकारियों से इस बातों को रखा है, संज्ञान में दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होना, कोई अधिकारी का नहीं पहुंचना, ये सोचनीय बात है। जी तो हम लोग भी लगातार चतरा उपायुक्त महोदय से भी संपर्क में इस मामले को लेकर, और जरूरत पड़ने पे हमारे कांग्रेस कोटे से मंत्री जो माननीय आलमगीर सर है उनको भी लिखित तौर पे जल्द ही हम ये पेपर में अपना लेटर पैड में बना लिया हूँ, और जल्द ही मांग पत्र सौंप कर इसका शिकायत करने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि रोड जो भी गलत तरीका से बनाया जा रहा है उसको दुरुस्त और अच्छा तरीका से ठेकेदार को निर्देश किया जाए डीसी सर के माध्यम से, जो कि अच्छा रोड बने और आम आवाम को अच्छा बने महसूस हो रोड में चलने के। जरूर मोती जी, चूंकि आप देखिए हेमंत सरकार है जिसमें आपकी पार्टी भी साथ में है, और झारखंड के विकास को लेकर लगातार हेमंत सरकार हर मन से कहती आई है कि झारखंड में विकास हो रहा है और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ठेकेदार और जो एजेंसी हैं वो निश्चित तौर पे यहाँ पर सरकार के दावों, विकास के दावों की धज्जियाँ तो उड़ा ही रहे हैं। जी जी, तो लगातार सरकार का भी प्रयास रहा है कि जो भी इलाका में विकास कार्य चल रही है जी उसको 100% ईमानदारी पूर्वक से कार्य कराया जाए, लेकिन 1-2% ठेकेदार के द्वारा लापरवाही जो बरता जा रहा है उस पे हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय हो या हमारे विभागीय मंत्री गंभीर से इस विषय को लेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी महागठबंधन के सरकार चल रहा है निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा तालमेल मिलाकर चला रहे हैं और इस पे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए, तमाम बातचीत के लिए मोती जी आपका धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ चतरा से जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोती पासवान जुड़े, जिन्होंने तमाम बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम इस बात को संबंधित पदाधिकारी और माननीय मंत्री जी से भी हम करेंगे, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस बात को लेकर
बातचीत मंत्री जी के पास भी शिकायत होगी कि आखिर इस तरह से गांव में अगर सड़क बन रही है तो उसका इस तरह से बनना कहां तक सही है, क्योंकि सामने बरसात है, बरसात का अब जल्द ही बरसात होने वाला है, और बरसात के पानी का ये बरसात के पानी को भी सह पाएगा या नहीं पता नहीं। हमारे साथ चतरा से संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस तरह से तीव्र गति से प्रतापपुर प्रखंड के भरही से मरका जाने वाली सड़क का निर्माण हो रहा है, आप वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए हैं, क्या क्या देखा, ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा? जी बता दूं कि ये पूरा मामला चतरा के प्रतापपुर के भरी से मरका जाने वाली मुख्य मार्ग की है, जहां इस सड़क का जो है कार्य जारी था, इसमें घोर अनियमता के साथ इस सड़क को बनवाया जा रहा था, जिसमें सही क्वालिटी का मटेरियल ना डाले जाने के बाद से ग्रामीण इसका विरोध भी लगातार कर रहे थे। और इसी के बाद जब हमने वहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो हमने देखा कि हाँ, वाकई में जो है सड़क जो है अनियमता गुणवत्तापूर्ण जो है सड़क नहीं बन पा रहा था, इसी वजह से वहाँ के लोग भी इस मामले पर विरोध कर रहे थे। चंदन, देखिए, जब वहाँ पर आप पहुँचे होंगे तो कई ग्रामीण इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, कुछ ग्रामीण दबी जुबान से, हालांकि सामने नहीं आते हैं लेकिन दबी जुबान से ही रोष जरूर प्रकट कर रहे होंगे। जी जी, तो बताइए किस तरह से ग्रामीण अपना विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ ग्रामीणों के द्वारा कहना है? देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सड़क जो है सही क्वालिटी में बनाए और अच्छे से बनाए, निम्न स्तर में ना बनाए, जिससे कि सड़क जो है आने वाले बरसात में फिर से वही हाल में ना हो सके। और उन्होंने साफ तौर से जिला प्रशासन से भी मांग की है कि सड़क को सही ढंग से बनवाने का काम किया जा सके। चंदन, वहां पे जिस तरह से सड़कों का मरम्मतीकरण का काम हो रहा है, तो कोई अधिकारी जो संबंधित विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँचते हैं, या फिर ऐसे ही लिपापोती कर चल रहा है सड़क निर्माण? देखिए, जब हमने वहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुँचा तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ कोई भी जो ठेकेदार है या कोई भी सुपरवाइजर वहाँ कोई भी जो है मौके पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ लेबर और स्टाफ काम कराए जा रहे थे। हमने जब पूछा कि यहाँ के इस रोड का कार्य का सुपरवाइजर कौन है और ठेकेदार कौन है, तो वहाँ कोई नहीं पाया गया। हालांकि जब हमारे खबर संकलन करने के बावजूद तकरीबन आधा से एक घंटे के बाद वहाँ पे सुपरवाइजर पहुंचे और मुझसे बात करने के दौरान उन्होंने मुझसे लगातार फरमान लगाते रहे कि आप पहले कैमरे को बंद कीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हमने हालांकि कैमरा को बंद नहीं किया, जिसके बाद से उन्होंने फिर हमें और फिर बात किया, कॉल किया, मुझसे लगातार कोशिश करने लगा और खबर ना चलाने के लिए भी बात करते रहे। और जब हमने इस सारी बात को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो वो मीडिया के कैमरे जो है भागते भी दिख रहे थे। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए चंदन आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ चतरा से संवाददाता चंदन जुड़े, जिन्होंने कहा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है चंदन, और निश्चित तौर पर कहा जाए कि भ्रष्टाचार का ये आलम दिख रहा है और लिपापोती का काम तो किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर किसी का ना होना, और अगर होना भी तो सीधे कहना कि इससे संबंधित बातों को, संबंधित खबरों को ना दिखाना, ये भी एक समझिए कि हैरान करने वाली बात है। जिस तीव्र गति से प्रतापपुर प्रखंड के भरही से मरका जाने वाली सड़क का निर्माण हो रहा है, ग्रामीणों का साफ आरोप है। देखिए, साफ ग्रामीण कह रहे हैं सड़क निर्माण कार्य में घपला तो हो रहा है, ग्रामीणों का आरोप है। और जैसा कि हमने आपको तस्वीरें और गाँव के लोगों की बातों को भी बताया है और सुनाया भी है, जो एजेंसी कार्य कर रही है, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उसके कार्य की मॉनिटरिंग और निरीक्षण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के कोई भी अधिकारी स्पॉट पर नहीं आते हैं, जिसके कारण एजेंसी सड़क निर्माण में लापरवाही बरत रही है। एजेंसी मनमानी रवैये से, ठेकेदार मनमानी रवैये से अपना काम कर रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य को देखते हुए लग रहा है कि यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस सड़क में ऐसे ही लीपापोती चलती रहेगी या फिर मजबूत सड़क के मरम्मती के निर्माण के लिए कोई ठोस पहल होगी। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।